आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक विद आसिफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। तो ज़्यादा समय ना लेते, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को उसे क्लिक करिए। इससे क्या होगा कि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको अपने ब्राउज़र में जाना है, मोबाइल के गूगल ब्राउज़र, गूगल पे या क्रोम पे। यहाँ पे मैं क्रोम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है UDAI, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट में जो आएगा UIDAI पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए गेट आधार, तो यहाँ पे चेक आधार स्टेटस और डाउनलोड आधार। तो आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड आधार पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा फिर से। तो यहाँ पे आधार नंबर, इनरोल्ड आईडी और वर्चुअल आईडी। इनरोल्ड आईडी वो होता है जब आप फर्स्ट टाइम आधार कार्ड बनाए होगे तो एक पेपर दिया है उस पर टाइप करना है। यहाँ पर आपको सिंपल आधार पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको जो भी आधार कार्ड डाउनलोड करना है वो 12 डिजिट का आधार नंबर आप यहाँ पर टाइप करें, जैसे मैं टाइप करता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए आई वांट ए मैक्स्ड आधार पे आपको यहाँ पे अलाउ कर लेना। फिर यहाँ पे कैप्चा आएगा, कैप्चा आपको वही टाइप करना जो यहाँ पे सही कैप्चा आपको टाइप करना है, जैसे QN66। फिर यहाँ पे सेंड OTP, यहाँ पे आपको सेंड OTP करना है। जब आपने फर्स्ट टाइम आधार का अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे आपने अपना नंबर डाला होगा, जो आधार कार्ड से वो लिंक होगा, तो उस नंबर पर आपका OTP जाएगा, वो 6 डिजिट का होगा। जैसे मैं अपना आधार नंबर डाला हूँ तो यहाँ पे मेरे नंबर पे 6 डिजिट का आधार नंबर है, जैसे कि आया 3234363। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। यहाँ पे देखिए, डिड यू नो डैट यू कैन ऑर्डर रिप्रिंट ऑफ आधार लेटर फ्रॉम यू डैट। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर लेना है। फिर हाउ मेनी डेज डिड यू रिसीव द रिप्रिंटेड आधार लेटर आफ्टर गेटिंग SMS ऑफ इंडिया पोस्ट। यहाँ पे आपको कुछ पे किसी पे भी क्लिक कर लेना है। विद इन 5 डे वर्किंग, 6 to 10 डेज, 11 to 15। यहाँ पे आपको 6 to 10 डो पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है आपको। इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे देखिए दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड, यहाँ पे आपका फाइल प्रोटेक्टेड नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। आपका जो भी नाम होगा, राहुल होगा, प्रिंस होगा, राम होगा, जो भी आपका नाम होगा, तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट, वो फर्स्ट वाला 4 डिजिट टाइप करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, यानी कि आपका जन्म तिथि होगा, जो जैसे कि 1994, 1996 जो भी होगा वो आपको डालना है। जैसे यहाँ पे आपको पहले स्टार्टिंग अपना नाम का 4 डिजिट टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है जो भी आपका हो, फिर ओपन करना है। तो ये देखिए, तो कोई इस तरीके से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो आई होप गाइस की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल पे बिल्कुल इजी तरीके से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी सिंपल प्रोसेस से। तो आई होप सो गाइस कि हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे जाके कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।